हनुमान जी की सच्ची घटनाएं सुनकर हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हनुमान जी ने खुद आकर अपने भक्त की रक्षा की। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल शुभ विचार पर। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, अपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम तो जरूर सुना होगा। हनुमान जी को कलयुग का प्रधान देव कहा गया है। रामचरितमानस के अनुसार माता सीता ने उन्हें अजर अमर का वरदान दिया हुआ है और इस बात की पुष्टि मेहंदीपुर धाम करता है। शास्त्रों में भी हनुमान जी के अमर होने के सबूत है। राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर नामक एक घाटी है। वहाँ के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी बाल रूप में साक्षात विराज रहे हैं और यहाँ आने वाले सभी भक्तों की संकट वो पल में हर लेते हैं। मेहंदीपुर में बालाजी महाराज की सरकार चलती है। यहाँ आकर जिसने भी उनका आशीर्वाद ले लिया उसकी हर कामना बालाजी महाराज पूर्ण करते हैं। तभी तो जो भक्त एक बार मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लेता है वो बार बार मेहंदीपुर जाने को आतुर रहता है। मान्यता है कि सच्चे दिल से जो भक्त उनका ध्यान करते हैं वो उन्हें दर्शन देते हैं। मेहंदीपुर में बालाजी के साथ ही श्री भैरव बाबा और श्री प्रेतराज सरकार के भी साक्षात दर्शन होते हैं। यहाँ पर तीन देव विराज रहे हैं, इसलिए कुछ भक्त इसे त्रिदेव का धाम भी कहते हैं। श्री बालाजी दरबार के ही ठीक सामने सीताराम का दरबार है। दरबार आमने सामने है और ऐसा प्रतीत होता बालाजी महाराज अपने प्रभु श्री राम और माता के दर्शन कर रहे हो और प्रभु श्री राम और माता उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हो। भूत प्रेत बाधाएं हो या किसी भी तरह का संकट हो, यहां आने मात्र से सब ठीक हो जाता है। अगर आप भी मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहते हैं तो वहां के कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। जितने भी समय आप मेहंदीपुर में रहें पूर्ण रूप से सात्विक आहार लें। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करें। मान्यता है कि बालाजी धाम की यात्रा के बाद 41 दिन तक सात्विक आहार ही लेना चाहिए। मेहंदीपुर से खाने पीने का कुछ भी सामान घर को नहीं लाया जाता है, यहाँ तक कि वहाँ के प्रसाद को भी घर को नहीं लाया जाता है। कहते हैं मेहंदीपुर धाम से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। बालाजी महाराज सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि इस दरबार में आने वाला नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। आइए जानते हैं कि बालाजी ने अपनी एक भक्त की कैसे रक्षा की। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, सुखी देवी नाम की एक महिला थी। वह पुराने ख्यालात की महिला थी, लेकिन वह हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक रात वह रात के 12 बजे किसी दूसरे घर से आ रही थी और रास्ते के अंदर उसको एक बहुत ही सुंदर भेड़ का बच्चा दिखा जो बोल रहा था। महिला काफी लालची थी तो उसने उस भेड़ के बच्चे को उठाया और बाकी की महिलाओं के साथ चलने लगी। दूसरी महिलाओं ने उसको हिदायत दी कि रात को इस प्रकार से किसी जानवर को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन सुखी देवी नहीं मानी। कुछ दूर चलने के बाद सुखी देवी को एहसास हुआ कि उसके हाथ में वजन बढ़ रहा है और जैसे ही उसने भेड़ के बच्चे की तरफ देखा वह पहले की तुलना में बेहद बड़ा हो चुका था। वह बुरी तरह से डर गई और उस भेड़ के बच्चे को वहीं पर गिराकर भागने लगी। घर आने के बाद वह काफी डरी हुई लग रही थी। उसे ये भी लगने लगा कि कोई उसके साथ घर के अंदर आ चुका है। उस रात को तो वह आराम से सो गई। उसे किसी प्रकार का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन दिन के अंदर उसने वही भेड़ का बच्चा बार बार दिखना शुरू हो गया। कुल मिलाकर वह बार बार यह चिल्लाने लगती कि वह देखो भेड़, लेकिन घर के दूसरे सदस्यों को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उस सुखी देवी की हालत बहुत बुरी हो गई। वह बार बार डर के मारे चिल्लाती। उसके बाद उसके घर वालों को कोई उपाय नहीं सुझा तो उन्होंने हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाकर हाथ जोड़े। सुखी देवी को ऐसा लगा जैसे उनके सर पर हाथ रखकर उनसे बोला हो कि जा, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगा सकता।
सुखी देवी प्रसाद चाहने बालाजी भी गई। वहां पंडित जी ने बताया कि इनके ऊपर बहुत भयंकर प्रेत था और इनके ऊपर बाबा की हाथ होने की वजह से वह प्रेत तुम्हारे घर का कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। यदि बाबा की कृपा ना होती तो पूरे घर का ही सत्यानाश हो जाता। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री बालाजी जरूर लिखें। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए शुभ